बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? बी कॉम पार्ट टू के स्टूडेंट्स, तैयारी कैसी जा रही है भाई आप लोगों की? यार सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पेपर्स मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद स्टार्ट हो जाएं। ऑब्वियसली आपके रमज़ान के अरसे में तो कोई ऐसा शेड्यूल नहीं, ना अभी कोई खबर है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिससे पता चल सके कि यार रमज़ान हो रहा है। तो फिलहाल यही न्यूज़ है कि पेपर जो है वो ईद के बाद से होंगे। अच्छा जी, ये जो लेक्चर्स हैं, सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि अब जो हम करने जाएंगे बी कॉम पार्ट टू के स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे ये एक अनाउंसमेंट है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। यार एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अच्छा खासा टिपिकल है, बच्चे इसमें गलतियां कर करके आते हैं। और अब जो मैं आपको गलतियां बताऊंगा, जो भी सर से में हम सब पढ़ेंगे, वो जो मैं गलतियां बताऊंगा यार, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, वो एक बचकाना लेवल की गलतियां होती है। वो एक ऐसी गलती होती है कि आपको पता होता है आप कर रहे हो, बट आप उसको छोटा समझ के, आप उसको इमटेरियल समझ के छोड़ देते हो। हालांकि ऐसा नहीं है, वो एक गलती है और एक से दो गलतियां जो बच्चे करते हैं और उनका पेपर जो है वो रुक रहा होता है बार बार। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो आउटलाइन है इसके इसके कोर्स की, इसके सिलेबस की, वो क्या है। ठीक है ना, हमने देखा और हमें पता चला कि बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर सबसे पहले इसका मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता चलूं कि है क्या सब, क्या है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ, क्या चीज है। यार एक ऐसा कानून, एक ऐसा लॉ जो कि बिजनेसेस के लिए, कॉमर्स के लिए, जो कि ट्रेड के लिए, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए बनता है, वो है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। इसमें क्या क्या होगा, इसमें बोला जाएगा कि ए कंपनी तुम ऐसा ऐसा मत करना, ए कंपनी तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ए कंपनी तुम्हें ये करना है, ए कंपनी तुम्हें वो करना है। यार ये तमाम चीजें हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली प्रैक्टिकल साइड क्या होती है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ किताबी कीड़े बने होते हैं, ठीक है, और हमें किसी चीज का कोई एक्सपोजर नहीं होता। और फिर कहा जाता है कि यार बी कॉम है, बी कॉम तो कुछ भी नहीं है, अरे बी कॉम तो बेकार है, हटाओ उसको ये। और वैसे भी अभी जो नया नोटिफिकेशन पास हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि HSC ने 2 साल की एजुकेशन पर पाबंदी लगा दी है, अब 2 साल की 2 ईयर्स का बी कॉम जहां तक सुनने में आ रहा है कि वो नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा जी सर, बिजनेस इंडस्ट्रियल लॉ के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। ठीक है सर, इन 2 पार्ट्स में से वो शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा होता है और लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा होता है, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यार इन कॉन्सेप्ट्स के बाद, ठीक है, अच्छा यार अमूमन मैं एक बड़ी छोटी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं देखता हूँ कि इंस्टीट्यूट्स में यार मतलब बेशुमार क्लासेस दी जा रही होती हैं बीकॉम की, मतलब इतनी क्लासेस दी जा रही होती हैं, उसके बाद बच्चे से पूछते हैं तो उसका जो लर्निंग लेवल है और जो जो उसकी स्किल्स है वो स्टिल वैसी की वैसी होती हैं, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती, फजूल में पढ़ाए जा रहे हैं, बीकॉम की क्लासेस करवाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। यार मेरे फैक्ट्स के मुताबिक, एक्चुअली चले उसकी बात, फैक्ट्स की बात ना करें तो आप खुद भी बात जानते हैं कि कितना बच्चा बीकॉम में एनरोल होता है कराची यूनिवर्सिटी में, कितना बच्चा आप पेपर देने जाते हो आपको दिख जाता है यार कि एक इतनी सी जगह पे इतना सारा बच्चा बैठ के पेपर दे रहा होता है। तो इट मीन्स कि आप अंदाजा लगा लें कि कितने बच्चे हैं जो बीकॉम के पेपर्स दे रहे हैं, आकर बीकॉम में एनरोल हो रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये बेटा कि कॉम्पिटिशन ज्यादा है, कॉम्पिटिशन ज्यादा होने का नुकसान भी है और फायदा भी है। देखो अगर अभी आपको ये बात भी बहुत जरूरी है बताना कि भले 2 साल वाली एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है, बट बीकॉम ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, बीकॉम को 4 साल में तोड़ दिया जाएगा। और फिर जिस तरीके से बीएस, अगर आप में से किसी को बताओ KU होता है कि 3 साल में जो है 2 साल बाद वो बैचलर्स कराता है, 3 साल बाद फिर कुछ और बन जाता है, MS की डिग्री मिल जाती है उसको, फिर उस तरीके से अगर उसके बाद वो कहीं MBA करना चाहे तो MBA 4 साल का नहीं होता बल्कि वो 1.5 साल का हो जाता है। तो इस तरीके से वो बेसिकली इनका जो एम है वो ये है कि
हम 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जब आप इंटर से निकलते हैं सेकेंड ईयर करके तो आपके पास 12 साल की एजुकेशन होती है। तो ये चाह रहे हैं कि उसके बाद हम 12 के बाद डायरेक्ट 16 पे जाएं, या तो 12 पे खड़े रहें, बीच का रास्ता ना हो। ऐसा ना हो कि कोई बंदा बोले हमें तो 40 ईयर्स एजुकेशन, क्यों? क्योंकि अब हर HEC यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए इनकेस आपने MBA अगर करना है। क्योंकि आगे ऐसा होने वाला है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है, कि MBA भी 4 साल वाला ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये 4 साल का BCom हो जाएगा तो MBA 4 साल का फिर नहीं रहेगा। इस पे भी देखो चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट है दो चीज़ों का आपस में, कि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 4 साल का कोर्स 1.5 साल का हो जाएगा, तो इटमीन्स कि उनकी 4 साल की फ़ीस होती है वो 1.5 साल में रहेंगे, तो या तो उनको बहुत ज़्यादा फीस लेनी पड़ेगी या ऑब्वियसली उनको कंपेरेटिवली फ़ीस कम करनी पड़ेगी। तो कुछ भी कर ले बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए जो फीस वो 4 साल में ले रहे हैं, अब लेट सपोज एक सेमेस्टर की 80,000 रुपीज़ है, तो अब वो 3 सेमेस्टर्स में सब कितने ले सकेंगे, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू कि वो 4 साल पढ़ाए, यानी कि 8 सेमेस्टर या जितने भी समर्स वगैरह को हटा के कहीं पे 8 होते 6 जो भी कहीं कोर्सेज का साफ होता है। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ का भी कॉन्फ्लिक्ट है इस बात पर कि यार अगर आप BCom को 4 साल का कर रहे हैं तो हमारा MBA जो 4 साल का होता है अब वो तो 1.5 साल का हो जाएगा, तो हमारा जो रेवेन्यू हमारी जो फी इनकम है, जो पैसा आता है, भाई वो कहाँ से आएगा फिर? ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? तो फिर हुआ ये जाएगा कि फिर जो BBA है बेसिकली वो BCom और BBA को शायद इक्विवेलेंट कर दें और इस तरह का कुछ करेंगे ताकि ये चीज़ भी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, कोर्स की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारे BCom पार्ट 2 में बिजनेस इंडस्ट्री लॉ पे हम लोग मौजूद हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों के सवाल मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर मतलब अगर मैं BCom में पास होना चाहता हूँ तो क्या करूँ? देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ फोकस रहकर दुनिया में अगर कुछ भी करोगे ना, कंसिस्टेंसी और फोकस, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि दुनिया में अगर इंसान कुछ भी अचीव करना चाहता है उसके पास ये दो चीज़ें हैं तो मेरा बेटा कभी भी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है ना, कंसिस्टेंसी और फोकस है तो आप फेल नहीं हो सकते। चलिए आइए भाई, हमने इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया है बेटा कि हम इसको 5 से 6 या मैक्सिमम 7 दिनों में इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है ना? क्योंकि देखो ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी साथ में है ना, तो अगर अभी आप यहाँ से उठ के चले जाओ, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप चाहो तो उसको 1-2 महीनों में कंप्लीट करो, आप चाहो तो उसको 15 दिनों में कंप्लीट करो, आप चाहो तो उसको 1.5 महीने में, 3 महीने में, 4, आपकी अपनी मर्जी है। कोर्स में ये कोई ना समझे कि कोई कंटेंट छुपा दिया गया है या कोई कंटेंट कंप्लीट नहीं किया गया या कोई कंटेंट कवर नहीं किया या कोई टॉपिक कवर नहीं किया, ऐसा नहीं है। कंप्लीट कवरेज है पूरे सिलेबस की, मगर एक बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में है और इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने उस्ताद का तारुफ लें। तो बेटा आपने से किसी ने नहीं पूछा, मैं खुद बता देता हूँ, मुझे पता है बेटा मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखो मेरा फिलहाल जो स्टेटस है वो CA क्वालिफिकेशन से बहुत करीब है, बस इतना मैं बता देता हूँ। मैं ऑब्वियसली इतना स्पेसिफिकली बताना सही भी नहीं होता और ना मैं बता रहा हूँ, मर्जी भाई मेरी, क्या कर लोगे। ठीक है, अच्छा देखो पढ़ाने का जो मेरा स्टाइल है, समझ गया ना क्या क्वालिफिकेशन? मैं CA फाइनलिस्ट हूँ और क्वालिफाइड, इंशाल्लाह आपकी दुआएं रहेंगी तो हो जाएंगे अगले 1.5 साल में। बाकी मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो हमेशा, क्योंकि मैं एक चीज़, मेरा बहुत एक फर्म बिलीव है कि जब तक ये क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट ना हो कि जहाँ पे आप आना चाहते हो, मतलब अगर मुझे पता है कि क्लास है तो मैं वहाँ आना चाहूँगा, ऐसा नहीं होगा कि यार मैं भी बोलूँगा पे यार आज क्लास है यार, अरे यार, ऐसा नहीं होगा। तो मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेरा बिलीव है कि क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाए। तो इसलिए इस सिलसिले में मैं थोड़े से जो है वो फ्रेंडली वे में, मेरा तरीका यही है कि मैं फ्रेंडली वे में पढ़ाता हूँ, सुकून से पढ़ाता हूँ, आराम से इत्मीनान से पढ़ाता हूँ। जो क्लास में भंगी हैं उनकी भी धुलाई करता हूँ, जो क्लास में तफरी वाले हैं उनके साथ तफरी भी करते हैं, ठीक है ना? तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्लास का एनवायरनमेंट जो है वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। बट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि
हमेशा एक चीज याद रखना कि टीचर का जो स्टेटस है वो वही रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा ना लगे कि स्टूडेंट और टीचर में से ये स्टेटस गायब हो गया, ठीक है ना? चलो बेटा, तफरी होगी, सब होगा फुल। देखो जिस जिस तरीके से एंटरटेन कर सकूंगा करूंगा, ऑनलाइन वालों की तो मैं जाहिर सी बात है, कैसे ऑनलाइन वालों को कैसे एंटरटेन करूंगा, उनको तो नहीं कर सकता। बाकी जो फिजिकल में आप लोग आए हो, मैं आप लोगों को, ठीक है? नाच डांस मुझे आता नहीं बेटा, हाँ थोड़े मोड़े गाना ने गा लेते हैं, बट अब रमजान शुरू हो गया तो उसको भी भूल जाओ, नात भी आती है मुझे, नात भी सुना सकता, ठीक है? आगे बढ़े भाई, चलो बेटा शुरू कर रहे हैं हम लोग, बहुत भाषण हो गया। इधर इधर बेटा, इधर मुन्ना चंदा उधर। अब बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर पार्ट वन में ये टॉपिक्स हैं जो कि मुझे 3 दिन में कवर करना है, ठीक है? टोटल कितने टॉपिक्स हैं भाई? टोटल मेरे पास है 15, 12 बल्कि, तो गिनने दे भी 3, 4, 5, 6, 7, 17 है, ठीक है ना? 17 है और मुझे इनको 3 दिन में पढ़ाना है। अगर सर अच्छा, अगर कंप्लीट ना हो सका 3 दिन में फिर क्या करेंगे? बेटा कोई मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं और बढ़ा दूंगा, मैं 20 दिन भी पढ़ाऊंगा, 25 दिन। मेरा जो मकसद है, फोकस ये है कि वो एज सुन एज पॉसिबल आपको जल्द से जल्द करवा दिया जाए, ठीक है बेटा? समझ में आ रही बात है यार ये? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आ गए अपने पहले पार्ट पे जिसका नाम है मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले सब जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देखो बेटा बहुत सिंपल करके पढ़ाऊंगा, बहुत सुकून से पढ़ाऊंगा। आप जाते हो, आप दुकान वाले से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, जब भी तो वो आपको चीज देता है। क्या मतलब? देखो दुकान वाला दुकान खोल के बैठा हो तो इट मीन्स के वो एक ऑफर कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है? ऑफर और एक्सेप्टेंस। जब तक के सामने वाला ऑफर ना करे और मैं एक्सेप्ट ना करूं, वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ठीक है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही वही है जहां पर दो चीजें हों, क्या? एग्जैक्टली, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है? अच्छा मैं ऑनलाइन वालों से अज्यूम कर रहा हूँ, आप लोगों के पास तो है, मैं ऑनलाइन वालों से अज्यूम कर रहा हूँ बेटा कि आपके पास बुक सामने खुली हुई है, जो भी रेफरेंस बुक्स है आपके पास अपनी अपनी, वो आप लोग खोल के बैठे हुए हो, ठीक है ना? सही है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर मैं एक जनरल डेफिनेशन की बात करूं कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्या होगा? वो है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल बाय व्हाट, बाय लॉ हो, ठीक है? बहुत जरूरी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का इनफोर्सेबल बाय लॉ हो, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल, सर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो वो क्या होगा? बेटा मैंने ये तो समझ में आ गया ना, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको एक तमीज बांधने के लिए बता दिया कि दो चीजें होती है इसमें। जब तक दो चीजें नहीं होगी, और भी बहुत सारी चीजें कि जब तक वो ना हो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, बट अभी फिलहाल स्टार्ट के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऐसी चीज है जिसके अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट में से हम निकाल दें उसको, तो कुछ भी नहीं बचेगा। सही, कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस याद रखना, सही। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर आपने अपना मोबाइल बेचने की ऑफर की अपने दोस्त को और उसने बोला कि हाँ ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये लो पैसे, ठीक है? मैंने बोला मैं मोबाइल तुम्हें बेच रहा हूँ 2000 का, तुमने बोला ठीक है मुझे दे दो भाई 2000 का मोबाइल, मैंने आपको 2000 का मोबाइल बेच दिया, सही है? मैंने आपको ऑफर की थी कि मेरा मोबाइल ले लो 2000 का, आपने एक्सेप्ट कर लिया 2000 के ऑफर को, मुझे 2000 दे दिया और चले गए। कल आप मेरे पास आकर बोला कि भाई मुझे मेरे 2000 वापस दो, मैंने बोला क्यों? आपने बोला कि भाई मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट मानता ही नहीं हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं मानते भाई? तुम्हें मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम, मैंने ऑफर की तो तुमने एक्सेप्टेंस की, तुमने अपनी एक्सेप्टेंस मुझे दी, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सर इन्फोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ का बेटा मतलब ये है जो कि कानूनी हैसियत रखता हो, जिसकी कानूनी हैसियत हो। सर क्या मतलब? इसको ऐसे समझाता हूँ कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, मैं आया मैं आपको बोला यार तुम्हें जो है ना मैं बंदूक दूंगा, पिस्टल दूंगा, सही ना, पिस्तौल जिसको बोलते, तुम्हें मैं पिस्टल दे रहा हूँ 3000 की, इसका लाइसेंस नहीं होगा,
इसका लाइसेंस नहीं है, या तो मैं 3,000 की दे रहा हूँ। उसने बोला यार चलो ठीक है तो मुझे 3,000 की दे दो। मैंने उसको पिस्टल दी, उससे मैंने 3,000 ले लिए। अब मैं घर आया और मैं उसके पास दोबारा गया, मैंने बोला मेरी पिस्टल वापस कर दो बेटा। उसने बोला क्यों भाई, मैंने तो तुम्हें 3,000 दिए। मैंने बोला बेटा कहाँ दिए, तो उसने बोला भाई तुम्हें तो तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा, मेरा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तुमने मुझे ऑफर की पिस्तौल बेचने की 3,000 में, मैंने एक्सेप्ट की और मैं तुम्हें 3,000 दिए। तो मैं उसको बोलूंगा बेटा व्हाट वी डिड वाज इलीगल, व्हाट वी डिड वाज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैंने तुम्हें एक इलीगल चीज बेची है जो कि कानूनी हैसियत नहीं रखती, जो कि इलीगल है, इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइड था। ये तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, वॉइड था, इलीगल था। वॉइड कहते हैं कानून में इलीगल को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में चल गई, ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, क्या क्या आ गए, एक तो एग्रीमेंट हो, दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। ठीक है, यानी कि उसकी उस एग्रीमेंट की इन्फोर्सिबिलिटी हो। यार बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं आपको इलीगल चीज बेचने आया हूं। ठीक है, इलीगल सेल की, मैंने आपको इलीगल प्रोडक्ट बेचा है, तो इट मींस कि क्या हुआ ये भाई, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कहलाएगा। आपके जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल ही नहीं है लॉ में, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कहलाएगा। यार ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, एक्स ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर 5 लाख टू वाई। भाई एक्स ने वाई को बोला मैं तुम्हें 5 लाख की गाड़ी दे रहा हूँ, क्या तुम्हें एक्सेप्ट है? वाई ने बोला एक्सेप्ट है। अब क्या है ये, दिस ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम प्रॉमिस एंड दिस प्रॉमिस इज ट्रीटेड एज एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। सही है, हमारा अगला स्टेप जिसको हम एग्रीमेंट कह रहे हैं, सर बेसिकली एग्रीमेंट है क्या, प्रॉमिस टू फुलफिल ड्यूटी। यार ये करेगा कौन, ऑफरर और ऑफरी दोनों। ठीक है, ये दोनों करेंगे। ऑफरर क्या प्रॉमिस कर रहा था, कि हाँ मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा। ऑफरी ने क्या बोला, हाँ मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, सही है ना, बात समझ में आई? ये आ गया आपका एग्रीमेंट की डेफिनेशन। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़े और हमने देखा कि इन्फोर्सिबिलिटी की, यार एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा एक और बात, मेरा जो टारगेट है बेटा, ये वाला, ये टारगेट मेरा जो 3 दिन में पार्ट टाइम खत्म करने का है, वो 3 दिन कल से स्टार्ट होंगे, क्योंकि आज रमजान है और प्रेजेंस भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, खास नहीं है, इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि, और कल से देखो अब, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रोज बच्चे नहीं आएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा मैं नहीं करवा रहा, बच्चे नहीं आ रहे, ऐसे तो मेरे ख्याल से जिंदगी गुजर जाएगी ना, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे हैं, अभी मेरा रोजा, मैं क्या बोलूं। मैंने कहा था कि बेटा आ जाना अपने आप से, अपने पैसों से अगर प्यार है तो आ जाना, मगर नहीं बेटा, अगर इतना फजूल पैसा तो मुझे दे दो यार, मुझे बहुत जरूरत रहती है, मुझे दे दो पैसा, मगर नहीं सर सुनना ही नहीं। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम कवर कर रहे हैं, हम इनको 3 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, बट कैसे, कल से। ठीक है ना, अच्छा जी, इन्फोर्सिबिलिटी के बाद हम आ गए कि सर एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ रहा हूँ और उसके बाद फिर आप मुझे बताना है। बेसिकली चलो वैसे ही बता देता हूँ कि एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के दरमियान क्या फर्क होता है। सही ना, हमारा दूसरा टॉपिक है कि एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के दरमियान क्या फर्क है। तो
कुछ करेगा सतीश को, अभी हम लोग कर रहे हैं कौन सा पहला मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है यार। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, अभी मैं सिर्फ पहला करवा रहा हूँ मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर यार कोई ऐसा बच्चा जिसका अभी तक तो कोई सवाल हो, ऐसा कुछ खास तो पढ़ा ही नहीं है ना हमने, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोई सवाल है, सर आपके बाल उड़ रहे हैं, सर आपका बाल साइड पे जा रहे हैं, सर मांग सही नहीं निकली, इस तरह का भी कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो, मुंह बना के घर मत जाना कि सर ने नहीं बताया, ठीक है। हाँ यार कुछ होते हैं बच्चे ऐसे, सीरियसली मेरे पास एक बच्चा आया कह रहा है सर, मैंने बोला हाँ बेटा क्या हुआ, कह रहा है कि सर आपने जो टॉपिक्स कवर करवाए, अब मुझे ऐसा लगा कि वो ही कहेगा कि सर आपने टॉपिक में सही कवर नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, और हालांकि मेरे पास तो ऑब्वियसली मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि कब क्या चीज़ करवानी क्या नहीं करवानी, मुझे तो पता था मैंने सही करवाया और सब कुछ ऐसा करवाया और मुझे कब कब कैसे कैसे मतलब मुझे आइडिया था। आगे कहने लगा सर आपने जो टॉपिक्स कवर करवाए हैं, मैंने कहा हाँ बेटा, फिर सर वो जो आप दूसरा वाला टॉपिक कवर करवा रहे थे ना सर, उस टाइम पे ना वो आपकी जो है ना वो शर्ट पीछे से थोड़ी सी फटी हुई। यार ऑनेस्टली मैं उसकी शक्ल देख रहा था कि ए अल्लाह के बंदे, मैं अपना खून पसीना एक करके तुझे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, अल्लाह के बंदे भंगी तू क्या देख रहा है यार, तुझे पढ़ना है तू क्या देख रहा है, सीरियसली यार, मतलब मैं ऐसा आई वॉज थिंकिंग के यार कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे के साथ, कुछ प्रॉब्लम लाजमी होगी। फिर मैंने उससे पूछा बटा के बेटा सर ये तो मतलब वो थोड़ा घबराया भी लग रहा था। खैर कॉन्क्लूड ये हुआ कि परेशान था वो, कुछ चीजों पे परेशान था, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाओ, तो सर अगला हमारा टॉपिक आ गया जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट, ठीक है बेटा। सर क्या डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में, आपका सर एग्रीमेंट जो होता है अच्छा जी एग्रीमेंट ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट में क्या क्या दो चीजें होती हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एग्रीमेंट, जबकि एग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट। देखो बड़ी सिंपल सी बात है ना यार, अभी हमने पढ़ा कि मेरे पास जो एग्रीमेंट की डेफिनेशन है वो क्या है, कि मैं ये कह रहा था कि भाई मेरी ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी तो मेरी मेरा एग्रीमेंट कहलाएगा वो, सही है। यार जरा मुझे 2 मिनट दे देना।
ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ भाई। सर हमने अभी तक देख लिया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर हमने देख लिया कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ये कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है। मैंने देखा यार क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज है? नहीं, पता चला हमें कि भाई एग्रीमेंट के अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है जो एग्रीमेंट बनाती है, जबकि ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल लॉ हो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। सर बस क्या यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है और कुछ नहीं है? एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर सकता है, मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट सर्टेनली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है भैया, ऑब्लिगेशन यहाँ पर लाजमी क्रिएट होती है किसी भी काम को करने की, जबकि यहाँ पे जरूरी नहीं है। सर जैसा कि एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल ये है कि अगर मैंने एक चीज आपको ऑफर की है, ठीक है, और वो ऑफर लीगल ही नहीं है, इलीगल है, तो मेरी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैटर इलीगल था। मगर कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही तब है जब चीज लीगल हो, जब ऑब्लिगेशन लीगल हो, जब एग्रीमेंट के फेज से गुजर के कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट अगर वो चीज इलीगल है वो तो यहीं पर ही खत्म हो जाएगी, आगे कॉन्ट्रैक्ट तक जाएगी नहीं बात, ठीक है, वो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। देखो आप मेरी बात सुनो, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक मैनेजर हो कंपनी के, ठीक है, आप सेल्स मैनेजर हो, और आपने आपके पास एक मैनेजर आया सप्लायर की तरफ से, सॉरी कस्टमर्स की तरफ से, उन्होंने मैनेजर भेजा कि भाई मैं आपका जो है वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, यानी कि चलो छोड़ दो, ऐसा करते हैं कि मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास एक कंपनी का बंदा आया कि भाई मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई आप प्रोडक्ट ले लो। उन्होंने बोला आप 100 पर यूनिट दे रहे हो, मुझे 98 पर यूनिट चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा, यानी कि आप चाह रहे हो 2 रुपए का डिस्काउंट दू हर यूनिट पे, हर प्रोडक्ट पे? उसने बोला जी। मैंने बोला अच्छा ठीक है। अच्छा जब वो बंदा आया, मुझसे बात हुई, मैंने एग्री कर लिया, हम दोनों का जो एग्रीमेंट बनेगा वो एग्रीमेंट होगा, ठीक है ना, उसे मैं एग्रीमेंट कहूंगा। तो सर कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन हुई? जब वो एग्रीमेंट बन गया और अब इन्फोर्सेबल हो, यानी कि इन्फोर्सेबल कब होगा, इन्फोर्सेबिलिटी क्या है उसकी, कि मैं उसको वो प्रोडक्ट डिलीवर करूँ, वो यूनिट्स डिलीवर करूँ, तो जब ये टाइम आएगा इन्फोर्सेबिलिटी का, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट, उसको जो पूरा करना होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट क्या हुआ कि मेरी उसकी बात पर हमारा एग्रीमेंट हो गया, ये एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट इस बात का है कि मैंने उसको वो प्रोडक्ट्स देने हैं, डिलीवर करने हैं, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। और एग्रीमेंट मेरा क्या है कि मेरी प्राइस जितनी तय हुई है, ठीक है यार, ये बात समझ में आई? इसलिए एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरीली बी अ कॉन्ट्रैक्ट, मगर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेसेसरीली एन एग्रीमेंट। क्या मतलब? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली अ कॉन्ट्रैक्ट, जबकि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेसेसरीली एन एग्रीमेंट। ठीक है भैया, बात समझ में आई? ना तो किसी को कोई मसला, जैसा कि अब मैंने आपको ऊपर ही बताया कि भाई जब एग्रीमेंट का फेस क्लियर होगा आगे बात जाएगी, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट पे बात आएगी। जब एग्रीमेंट इलीगल कोई चीज है तो वो तो एग्रीमेंट से ही खत्म हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो बात ही नहीं जानी उसने, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको नीचे वाली। अच्छा जी, उसके बाद भी कहता है कि एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्क्लूडेड और अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जबकि कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडिंग एंड बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पार्टी। मेरा और उसका एग्रीमेंट हो गया बीच में, एक रूम में बैठे हुए थे, वो बंदा आया, उसने बोला मुझे इतने यूनिट चाहिए, 98 पे चाहिए, 100 पे नहीं चाहिए, 2% डिस्काउंट चाहिए। मैंने बोला ओके डन हो गया, ठीक है मैं आपको कर दूंगा, ये मेरा और उसका एग्रीमेंट हो गया। मगर जब तक के मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तब तक मैं उसको, तब तक वो मुझे बाइंड नहीं कर सकता परफॉर्मेंस के, ठीक है ना। परफॉर्मेंस के लिए बाइंड करने का क्या मतलब कि वो ये नहीं कह सकता कि अब तो आप बाय लॉ बाउंड हो चुके हो कि आप मुझे ये प्रोडक्ट दोगे, वो ये बात कब कह सकता है, जब मेरा उसका एग्रीमेंट हो जाएगा कमरे में बैठ के, तब नहीं।
जब मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एक लेटर फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट पे, एक पेज पे, मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। ये बाइंडिंग नहीं है जबकि ये बाइंडिंग होता है, ठीक है। सही, यहां तक कोई और किसी को मसला? ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, एसेंशियल्स हमने पढ़ लिए। दूसरा हमने कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट कर लिया। अब आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट के किन तरीकों से जो है वो क्लासिफाई हो सकता है, जरा ये बता दें तो वो देख लेते हैं। चलो कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ऑफ वैलिडिटी। सर ये चार बेसिस होती हैं, तीन बेसिस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। समझ में आई बात यार? अब सर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है ये समझना। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को किन किन तरीकों से कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसको किन किन तरीकों से करूंगा, उसके मेरे पास तीन तरीके बताए हुए हैं। एक है एक्सप्रेस, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। ये तीन आ गए, ये है मेरे पास तीन क्लासिफिकेशंस कॉन्ट्रैक्ट की। आओ उसको देखते हैं कि सर है क्या ये। आओ चाहिए तो तीन बेसिस हैं, किन कौन कौन सी? बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है इसको हाईलाइट कर देता हूं, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और बेसिस ऑफ एक्सटेंड ऑफ वैलिडिटी के कब तक वैलिड रहेगा, उनकी बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है ना। अब आओ देख लो कि फर्दर क्या बात है इसके अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि उसकी फॉर्मेशन जो है ना वो आपकी बेसिस होगी। फॉर्मेशन बेसिस कैसे कैसे हो सकती है? तीन तरीकों से। जब आपके पास, हाँ बेटा मैं ये क्वांटिटी है आपको तमाम के तमाम नोट्स दूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है ये सारे आपके पास आएंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स और पॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सप्रेसली बताए जाए, एक्सप्रेसली मतलब जो आपको बाय वर्ड्स और रिटेन में बताया जाए, ठीक है ना। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो हो गए आपके जो के बाय वर्ड्स और रिटेन में, रिटेन फॉर्म में आपको बताया जाए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई यार? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। Mr. A, who is in front of Mr. B, makes an offer to sell out his bike to B by the words of mouth. ठीक है, A ने बोला B को कि भाई by words of mouth, सही जुमलों से, orally लफ्जों से कि मैं तुम्हें बाइक बेच रहा हूँ, सही ना। सवाल आ सकता है ना कि सर अगर मैंने एक अभी जिस तरह इस मेरी पहले वाली एग्जाम्पल में वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट था, कैसी क्लासिफिकेशन थी कॉन्ट्रैक्ट की? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ था, क्योंकि वो बंदा आया मेरे पास जो मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं मैनेजर कंपनी का बंदा मेरे पास आया कि आपके प्रोडक्ट खरीदे मुझे, मुझे आप 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो 98 में बेच दो, 2 रुपए का डिस्काउंट दे दो। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है मैं डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन तुम्हें फिर जो है ना हमारे, हमें क्रेडिट पे
नहीं दे सकते हैं, तो आपको कैश पे पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, उसमें शर्तें बता दी, उसने भी एग्री कर लिया, मैंने भी एग्री कर लिया, जब दोनों एग्री हो गए तो ये कैसी क्लासिफिकेशन, उसके बाद एग्री होने के बाद ये एग्रीमेंट बन गया, उसके बाद हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा लिया, तो ये एक कैसी क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट की? सर ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों? क्योंकि हमारा ओरली वर्ड्स ऑफ माउथ से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है ना, सिंपल सी यही, बस इसमें और कोई बात नहीं, बस सही है। ठीक है ना? अच्छा, अब बारी आई इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की। सर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं जो के बाय वर्ड ऑफ माउथ या रिटन नहीं होते, बल्कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो के कंडक्ट ऑफ पार्टीज से हो या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खुद ब खुद बन गया हो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। Mr. A is standing at a particular bus stop on a particular route. Bus bearing a specific number mean for that route comes to that to halt at that stop. भाई एक उस पे कोड होता है, जैसे W11 मुझे पता है उसका क्या क्या रूट होगा, ठीक है ना, बस स्टॉप पे खड़ा हुआ, W11 आ गई, W11 का मतलब ही यही है कि मुझे वो फला फला जगह उतारेगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब Mr. A gets into the bus and travels on the route for his destination. He is bound to pay free charge by the company for that distance. Contract between city transport company and is implied in the nature. Simple सी बात है ना, बस वाले तो आपको नहीं बोला था ना कि भाई आओ पहले कमरे में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर तुम मेरी बस पे चढ़ोगे, तुम मेरी बस पे चढ़ के यहाँ से वहां पहुंचोगे, मैं तुम्हें वहां छोड़ूंगा और तुम मुझे इतने पैसे दोगे। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस तरह एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और रिटन? नहीं सर, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? सर्कमस्टांसेस बेस पे था, जो सिचुएशन बेस पे था। ऑब्वियसली बस आ रही है, मुझे पता है W11 है, मुझे पता है W11 लोगे तो उतारेगी, या मुझे पता है W11 जो है वो आगे नुमाइश पे उतारेगी, और क्या क्या रूट होता है आई डोंट नो, वहां पे उतारेगी, कहीं पर भी उतारेगी। तो सर ये क्या है? ये सर्कमस्टांसेस बेस है, ये बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज है, पार्टी ने एक ओपन ऑफर है बेसिकली, ठीक है ना, बस वाला आ रहा है तो एक ओपन ऑफर है पूरी दुनिया के लिए, तो ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे बाय वर्ड्स और बाय रिटन नहीं होता, बल्कि एक कंडक्ट ऑफ पार्टी या सिचुएशन बेस होता है। सर पॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इसको हम बहुत डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे मिसेलेनियस के अंदर, फिल वक्त आप ये समझ लो कि इम्पोज्ड बाय लॉ इन द एब्सेंस, हाँ पूछो पूछो बेटा पूछो, हाँ देखो देखो मेरी बात सुनो, जब वो बंदा आया, अब वो बंदा चाहे तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मेरे साथ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो करके चला गया। सर इम्प्लाइड क्यों नहीं कर सकता? देखो मैं कोई अपना प्रोडक्ट दुकान पे नहीं बेच रहा, मैं अभी ऑफिस में मौजूद हूँ और वो मेरे पास ऑफिस में मेरे रूम में आए, अगर मैं दुकान पे खड़ा होता, मेरे पास मेरा प्रोडक्ट सामने लटका हुआ होता और वो आगे बोलता कि भाई ये दे दो, बल्कि एक सुपर मार्केट होती वो आके उठा के और मुझे पैसे दे देता, ना मैं उससे ये पूछूंगा कि भाई आपने ये क्यों उठाया, ना मैं ये पूछूंगा आप मुझे क्यों दे रहे हो पैसे। ऑब्वियसली मुझे पता है कि ओपन ऑफर थी मेरी, ये प्रोडक्ट सबके लिए, उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो अपने आप को एग्रीमेंट बन गया, और वो क्योंकि एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। पॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इम्पोज्ड बाय लॉ या ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द एब्सेंस ऑफ any other situation या law, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझ लो कि अगर मैं घर पर नहीं हूं और मेरे दोस्त ने ये देखा कि मेरे घर में आग लगना शुरू हो गई है, उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया, उसने बहुत सारे खर्चे किए और मेरी आग बुझवा दी, और फिर जब मैं आया तो उसने बोला कि भाई मैंने आपका घर बचाया है, मुझे इतने इतने पैसे दे दो, मेरा इतना खर्चा हो गया, ठीक है। अब ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है जो मेरे उसके दरमियान कुछ भी ना होते हुए भी हो गया, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ एनी सिचुएशन अदर सिचुएशन या एब्सेंस ऑफ लॉ में वो एक ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू मुझ पे इम्पोज हो चुका है, मुझे उसको पे करना पड़ेगा, उसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, समझ में अच्छी भी हो। कितने लोग मेहमान है यहाँ पे? यार मेरा मेहमानों से बहुत मतलब माशाल्लाह वास्ता बड़ा है, और मेरा बेसिकली बचपन जो गुजरा है ना यार वो मेहमानों में गुजरा, और बहुत यार अच्छे लोग जो जजमेंट है ना बेसिकली
हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये ना जजमेंटल बहुत है। कोई भी आगे आएगा, कोई आके अगर उसने मुझे मतलब फजूल में ना, फजूल में अगर वो मुझे आके देखेगा उसकी सारे की शक्ल ऐसी होगी गुस्से वाली, तो बड़ा गुस्सा उसका तो एटीट्यूड है। बैठे बैठे मैं उसके सिर्फ एक ऐसी हरकत पे जो मुझे कन्फर्म भी नहीं है, मैं उसको उसको मुकम्मल तौर पर जज करके अपना कंक्लूजन लिख के दे दूंगा। मेरा बस चले तो मैं उसको कोर्ट में उस पर जो पिटीशन भी फाइल करूँगा उसको सू कर दूंगा। इस लेवल के यार हम लोग जजमेंटल लोग हैं यार, हमें अपनी जजमेंट जो है ना थोड़ी संभाल के रखनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी सर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन तो हो गया, अब आ रही आगे किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पे। सर दो ही किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो होता है एग्जीक्यूटेड, ऑब्वियसली सबको वो सब बड़ी आसान आसान चीज है यार, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये रिवीजन बेस्ट है, प्लस उनके लिए जो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आसान है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और बोलो ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूटेड, एक होता है एग्जीक्यूटरी। अच्छा जी, अब सर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसको मैं मिसाल देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा आराम से समझ में आ जाएगा। भाई मैंने, या चलो एक बंदा है मिस्टर बी, उसने आके एग्रीमेंट किया कि वो मुझसे 5,000 पर बेल कॉटन के हिसाब से कॉटन खरीदेगा, सही कॉटन जो होती है कॉटन कपड़ा, कॉटन, ठीक है। आता है वो मुझे कहता है कि मैं आपसे 5,000 पर बेल जो है वो खरीदना चाहता हूँ। अब मैं उसको बेल 5,000 पर बेल कॉटन उसको दूंगा और उससे पेमेंट लूंगा, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मिस्टर ए मेक्स एन एग्रीमेंट फॉर बाइंग अ कार फ्रॉम कार डीलर, ए हैज मेड पेमेंट, ठीक मिस्टर ए ने पेमेंट भी कर दी, द कार हैज बीन डिलीवर्ड टू हिम, उसको कार डिलीवर भी हो गई, बट ओनरशिप ऑफ दैट कार इज येट टू बी ट्रांसफर्ड टू हिम, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स एग्जीक्यूटरी। यानी कि परफॉर्मेंस के बावजूद वो एग्जीक्यूटेड नहीं रहा, अभी भी एग्जीक्यूटरी है, तो वो मेरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन पढ़ लो और बहुत आसान सी है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन दैट हैज बीन परफॉर्म्ड, इट मींस बोथ द पार्टी हैज फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस व्हिच दे हैव मेड इन कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग मोर रिमेन्स टू बी डन ईदर बाय द पार्टीज, बोथ द पार्टीज हैज fulfilled their respective promises, where both the parties have fulfilled their respective promises. ठीक है यार ये बात समझ में आई, पूरा बचपन गुजर गया ये समझ में नहीं आया किसमें एक एल लगना है किसमें दो। अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस तरह आप गए पुश और पुल, जिंदगी गुजर जाएगी मगर पुश और पुल की ये मामला रिजोल्व नहीं हो पाएगा कभी जिंदगी में। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा, मैं क्वालिफाई भी हो जाऊंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो जाऊंगा, मैं बड़ी से बड़ी डिग्री ले लूं, मैं कंफ्यूज रहूंगा यार पुश और पुल में। फॉरन से जब जाते ना दुकान पे आप, अब आता है पुश, अब आप उस टाइम सोच रहे हो तो कन्फ्यूज हो जाता है यार पुश है पुल क्या है यार, खींचो अरे धक्का दो अरे, फिर पीछे लंबी कतार होती है, कुछ आंटियां भी होती हैं अरे बेटा जल्दी कर लो, और वो आपको और थोड़ा कन्फ्यूज कर रही होती है, अरे यार अब बंदा परेशान हो जाता है यार पुश क्या था यार, धक्का देना है खींचना है, अरे धक्का देना है खींचना है, फिर वहां निकल के आते हैं अंकल शर्मिंदा करने के लिए, अरे बेटा इसको खींचना होता है। तो ये यार लोग कहते हैं कि बाहर निकल जाओ बाहर जिंदगी है बाहर, यार मैं कहता हूँ पाकिस्तान जैसी जिंदगी तो कहीं जिंदगी में दुनिया में नहीं हो सकती यार, पाकिस्तान जैसी जिंदगी दुनिया में, आपको यहाँ पर हर किस्म का फन मिलेगा, आप बाहर जाओगे आप थोड़ा सा भी कुछ ड्रामेटिक कर दो पूरा मजमा आपके आपके पास होगा, पूरा मजमा घेर सकते हो, हाँ बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा क्योंकि मैं साथ साथ अपना जब इंट्रोडक्शन दे ही रहा हूँ तो दो तीन चीज़ों को और मैं बता दूँ आपको अपने बारे में, कि देखो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी नियत जो है वो साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी का जो है दारोमदार जो है ना, बेसिकली कहते हैं ना अमल का दारोमदार, तो
इतनी इंपॉर्टेंट चीज है नियत कि आप जो कुछ भी करो ना, अमल क्या है, आप सोच रहे हो, बोल रहे हो और कर रहे हो, तो अमल यही तीन चीज है। और दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है वो उन्हीं तीन चीजों पर मुश्तमिल है, या तो सोचता है, बोलता है, करता है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो अमल है ना, अमल सोचना बोलना करना, इसका दारोमदार नियत, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है नियत आपकी, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी नियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया मैंने, मेरे पेज पे वीडियोज भी हैं, ऑब्वियसली अगर आप जाके देखोगे तो सईद जामिल अली ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पेज पे उस पर वीडियोज डाली हुई हैं, और भी प्लेटफॉर्म से वीडियोज डाली हुई हैं जो आप लोग, क्योंकि मैंने आप लोगों को तो घर दिखा दिए, बट ऑनलाइन वाली जो जो आवाम है उनके लिए मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि कुछ स्पीचेज हैं जो कि लाइफ चेंजिंग स्पीचेज हैं, और ऑनेस्टली मुझे उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप जितने बैठे हुए उनमें से एक दो को मैं पर्सनली जानता हूँ कि उन्होंने मुझसे बकायदा काउंसलिंग, उन वीडियो से काउंसलिंग एक तरीके से ली है और अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग किया है उसकी बेसिस पे। तो मेरे लेक्चर्स हैं, मेरे यूट्यूब वीडियोज हैं बेटा जो आपको दिखेंगी, लेक्चर्स और वीडियोज हैं, उसमें मोटिवेशनल स्पीचेज भी हैं, कुछ आपको लाइफ हैक्स भी बताए हुए हैं, आपको सक्सेसफुल होने का तरीका बताया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की थ्योरी में जो आपको घुमाया हुआ है टीचरों ने, बस उसी के अंदर रहो, उससे निकल के बहुत बड़ी दुनिया बेटा कामयाब होने की बहुत सारी चाबियां हैं। तो किसी भी चाबी को इस्तेमाल करते हुए आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है ना। तो सर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, बस बेटा इसको एक्सटेंड ऑफ वैलिडिटी तक रखकर मैं खत्म कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, बाकी कल कर लेंगे, सही है। और क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों की तादाद भी आज इतनी नहीं, और मुझे उम्मीद है कि कल होगी, कल थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा मैं, और तो इन चीज़ों को देख लेना ज़रा, ठीक है ना। तो और जल्दी से इसको तो देख लो, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जिसमें वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड एंड अदर इज स्टिल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज या हिज प्रॉमिस, ठीक है यार, समझ में आई एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क है, ठीक है, आओ अब आगे सबसे मेन चीज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ऑफ वैलिडिटी, क्या लीगल है तो क्या हुआ, इलीगल है तो क्या हुआ, क्या अगर शुरू से ही लीगल था, मेरे कुछ स्टेजेस हैं अगर एग्रीमेंट के और शुरू से ही लीगल था वो एग्रीमेंट तो क्या होगा, ठीक है, उसकी पहले एक लिस्ट बना लेते हैं फिर मैं आपको बताता रहूंगा। एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है वॉइड एग्रीमेंट, फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आओ अब देख लेते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि तमाम असेंशियल्स को फुलफिल करे, फुलफिल्स ऑल असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एसेंशियल सर क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, यही तो हमें पढ़ना आगे, अरे भैया यही तो हमने पढ़ना है, ठीक है सर, अभी फिल वक्त अगर आप बताना चाहें अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो एसेंशियल्स क्या क्या है जिसके अंदर सर्टेन पार्टीज, पता हो मुझे कि दोनों के दरमियान हो रहा है, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, किसी कंसिडरेशन के, किसी चीज के अगेंस्ट हो, ऐसा ना हो कि मुफ्त में कोई बात चल रही हो, नहीं, किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि धमका के उसकी एक्सेप्टेंस ली गई हो, इस तरह के एसेंशियल होने चाहिए जब के जाके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।
ठीक है. अच्छा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट लीगली इनफोर्सेबल. ठीक है, सिंपल सी बात है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, हम दोनों में फर्क भी देख लिया. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट लीगली इनफोर्सेबल, ठीक है ना. सर एग्जाम्पल दे दे, मिस्टर ए वॉज इलेक्टेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्स कंपनी बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आफ्टर सिक्स मंथ्स इट इज फाउंड दैट वन ऑफ द डायरेक्टर हु हैव इलेक्टेड मिस्टर ए has not purchased qualification shares. He was not a bona fide director. The service contract made with A is discovered to be void. यार ये अब आप लोगों के ऐसे लेवल पे दी हुई जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे सीए के लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेकिन चलो फिर भी नीचे वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको मैं फिर से आपको समझा दूंगा. देखो इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि एक डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 डायरेक्टर थे, उन्होंने एक डायरेक्टर को डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, इलेक्शन हुए, डायरेक्टर आ गया सीट पर, पता चला कि वो डायरेक्टर तो डिसक्वालिफाइड था, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं था, तो क्योंकि कानून में ना, लॉ में क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन दी हुई है दोनों की डायरेक्टर्स की, ठीक है ना. वो बंदा जो है वो डिसक्वालिफाइड था इन अकॉर्डिंग विद एक्ट, कानून के तहत वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता था. तो वो कह रहे हैं कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब देखो जब वो डायरेक्टर बनेगा तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड होगा, वो उसको तमाम चीजें देगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट उसको देगा, डायरेक्टर का स्टाइपेंड रेमुनरेशन वगैरह बताएगा, सॉरी स्टाइपेंड कह रहा हूँ, रेमुनरेशन वगैरह बताएगा उसको, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में चीजें बता के देगा. तो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली डायरेक्टर के लिए. तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल ना हो, क्योंकि अब कानून के तहत डिसक्वालीफाइड था ना, मैं लीगली इन्फोर्सेबल ना हो, लॉ ने बोल लिया कि ये चीज हो ही नहीं सकती और वो हो जाए, तो वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि इन्फोर्सेबल ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक ऐसा एग्रीमेंट which is not enforceable by law, not enforceable by law, ठीक है ना. बड़ी सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया पहले, मैंने बोला यार बंदूक बेच रहा हूँ तुम्हें, लाइसेंस नहीं मगर इसका, उसने बोला हाँ ठीक है, फिर वो कल आ गया नहीं मुझे पैसे वापस दो, तो भाई हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक वॉइड एग्रीमेंट है, ये तो एग्रीमेंट ही नहीं है लॉ की नजर में, ठीक है ना. अच्छा जी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. एक ऐसा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर इनफोर्सिबिलिटी जो है वो ऑप्शन पे होती है, किसकी, पार्टी की. क्या मतलब, और एग्जांपल देख लेते, मतलब पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको वॉइडेबल करार दे सकती है और वही उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिक्लेयर कर सकती, ठीक है. मिस्टर ए बाय कॉजिंग consent of B at gunpoint makes an agreement with him for buying his bike for 10,000. This contract is voidable at the option of B only whose consent has not been free. Sir, क्या मतलब? भाई मैंने एक बंदे से contract कर लिया कि मैं तुमसे bike, तुम मुझसे bike ले लो 10,000 में. उसने बोला पागल हो गए होगा भाई, दिमाग खराब है क्या? 10,000 में तुमसे bike क्यों लूँ यार मैं? ये तो मार्केट में 4-5 हज़ार की इसकी वैल्यू है. मोबाइल की बात कर लेते हैं, चलो प्रैक्टिकल बनाते हैं. 10,000 का मोबाइल क्यों तो तुमसे यार मैं तो, ये तो 3-4 हज़ार का मोबाइल मार्केट में. तो मैंने उसको गन पॉइंट पे ये बात मनवा ली कि तुम मुझसे ये 10,000 में ले लो. उसने बोला अच्छा भाई सही है यार, अब गन दिखा दोगे तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, ये लो भाई 10,000 ले लो. अब बात आई कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं. अगर वो बंदा जिसने 10,000 दिए हैं वो इसको वॉइड करना चाहे तो वो कर सकता है, अदरवाइज वो चाहे तो नहीं कर सकता. क्या मतलब, वो बोले यार चलो ठीक है यार, बस सही, मेरे पास मोबाइल तो आ गया ना, कोई बात नहीं, 4-5 हज़ार ऊपर गए मोबाइल आ गया ना, बस ठीक है छोड़ दो. तो इट मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, सही ना. अब आपका सवाल कि सर हो सकता है कि वो ऐसा कौन करेगा. सर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मतलब देखो लॉ जो है ना, याद रखना हमेशा लॉ आपके हर किस्म के सिनेरियो को देख के चल रहा होता है, ठीक है ना. उसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस भी आ जाते हैं, हर किस्म के केसेस आ जाते हैं, तो वो आपके हर किस्म के केस को देख के चल रहा होता है. अच्छा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज
इनफोर्सेबल डिक्लेयर्ड अनइनफोर्सेबल बाय द ऑप्शन ऑफ एग्रीव नाम दे दो, ठीक है। एग्रीव मतलब जिसकी कंसेंट ली गई है गन पॉइंट पे, जिसकी कंसेंट ली गई है, जिसकी एक्सेप्टेंस गन पॉइंट पे ली गई, ठीक है ना। समझ में आई ये बात। उसके बाद आ गया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। सर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कोई इलीगल ऑब्जेक्ट या इमोरल या कोई पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट बात की जा रही हो, ठीक है, या फिर लीगल राइट्स के अगेंस्ट बात की जा रही हो या एनफोर्सेबल ही ना हो, ठीक है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल इमोरल अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसीज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स या फिर नॉट डिक्लेयर्ड इलीगल बाय लॉ हो, ठीक है। समझ में आ रही भाई बात। ये आपका हो जाएगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कुछ जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो कि एक बिल्कुल पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट हो, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा हो, उसमें तो कोई मसले की बात ही नहीं है, मगर कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो उसकी वैलिडिटी को इफेक्ट कर सकता है। आओ देख लेते हैं भाई। ए मेक्स आउट प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ मिस्टर बी फॉर 1000। सही, प्रॉमिसरी नोट हमारा आगे है कोर्स में, उसको भी देखेंगे। इट हैज स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रुपीज 5 व्हाइल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इट हैज बीन इट मस्ट बी हैव स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रुपीज 10। प्रॉमिसरी नोट इज इनवैलिड बट स्टैम्प ड्यूटी इज रेज्ड अप टू रिक्वायर्ड लेवल इट मे बी अलाउड टू बी इन्फोर्स्ड। अच्छा जी, एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, देखो मैंने आपसे उधार लिया, ठीक है, लेकिन आपको मुझ पर शक नहीं था, यकीन नहीं था, सर होता है रोज है बेटा ऐसा, तो मैंने आपसे उधार लिया, आपने बोला कि भाई एक प्रॉमिसरी नोट बना के दो जिसमें लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर, जिससे भी मैंने उधार लिया बी से उधार लिया, तो आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी इतने इतने जो भी अमाउंट है उसका मुझे प्रॉमिसरी नोट बना के दो। सही ना, प्रॉमिसरी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका जिसकी कानूनी हैसियत होती है, ठीक है ना। फिर बात कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाती है, बात कानून पे आ जाती है अगर मैं प्रॉमिसरी नोट बना के दे रहा हूँ, और अगर वही ओरली चलता रहा तो ऑब्वियसली एक डाउट होता है कि भाई मैं ना दूँ तो उसको पकड़ूंगा कैसे, इसलिए लोग क्या करते हैं उधार लेके प्रॉमिसरी नोट बनवा लेते हैं। लेकिन प्रॉमिसरी नोट पे एक ड्यूटी स्टैम्प लगना जरूरी है, स्टैम्प ड्यूटी आती है जो कि किसी पोस्ट ऑफिस वगैरह से मिल जाती है स्टैम्प ड्यूटी। अब रिक्वायरमेंट ये है कि अमाउंट्स की वजह से अगर लॉ देखा जाए तो अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर 10 मिलियन या 1 मिलियन से ज्यादा की तो इतने रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगे, इतने इतने अमाउंट की तो इतने रुपए की लगे। तो वह ये कि रिक्वायरमेंट जो थी ना 1000 रुपए पे, यहाँ पर इस केस में कि मैंने उससे 1000 रुपए का उधार लिया, तो कानून में लेट सपोज रिक्वायरमेंट थी कि आप 10 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी अपने प्रॉमिसरी नोट पे लगाओ, जबकि मैंने 5 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगा दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि ये एक अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया, मगर एक इसके अंदर रूम दिया गया है, एक छूट दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर कि हाँ अगर आप उसी प्रॉमिसरी नोट पे 5 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी हटा के 10 रुपए की लगा दोगे तो वही आपका फोर्सेबल बन जाएगा, वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट की एग्जांपल थी स्टैम्प ड्यूटी पे ड्यू टू टेक्निकल रीजन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनवैलिड, सही है, फिर अनइनफोर्सेबल, ठीक है। बच्चों समझ में आई ये बात, प्यारे बच्चों चीजें समझ में आ रही है, ऐसा तो नहीं है सर पे से जा रहा है सर ये क्या है, नहीं सर ये तो मुझे जिंदगी में नहीं आता कभी, बहुत आसान आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें यार ये, ठीक है। आपके साथ साथ ही ये नोट्स बनाता जा रहा हूं मैं, ये नोट्स बन गए एक दफा तो मैं आपको दे दूंगा,
आप इसको बैठ के पढ़ते रहना, आपको जरूरत ही नहीं बुक खोल के पढ़ने की, ठीक है। मेरे लेक्चर्स सुन लो और ये नोट्स देख लो, बहुत है, ठीक है मेरे बच्चों। अब कल हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ये जो असेंशियल्स हैं, ये असेंशियल्स हैं क्या, ठीक है। कल हम ये असेंशियल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है, जो कि डिपेंड, कंटिंजेंट मतलब होता है डिपेंड, किस चीज पे डिपेंड करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम इन्हीं तमाम का डिफरेंस देखेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, वॉइड एंड इललीगल एग्रीमेंट में क्या फर्क है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये तीन चीजें हमारी रह गई है, आज करवानी थी मैंने, मगर बेटा तादाद जो है बच्चों की, और थोड़ा सा जो है आपको देखना पड़ेगा बेटा इसको, इस तरीके से नहीं चलेगा ये, ठीक है ना। तो इसको आज तो मैं एंड कर रहा हूँ, मगर इसको जरा देख लोगे बेटा, मेरी 2 घंटे की क्लास होगी और 2 घंटे की क्लास में सबको आना है, और कल से पेज शुरू हो जाएगा, फुल पेज के साथ जो है ये कोर्स चलेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं। ये चीज मेक श्योर कर लेना कि जितना भी आज पढ़ाया है सब रिवाइज करके कल क्लास में आना, ऐसा ना हो कि जो है वो पानी की बिल्ली बन के बैठे हो, कुछ समझ में, सर ये क्या है, सर ये तो पता ही नहीं मुझे, ठीक है। तो गौर से ये चीज जरूरी है, देख लेना, ठीक है।